हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2023 और आज के 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। पहली अपडेट, मंडी विश्वविद्यालय का दायरा घटाना सरकार की नकारात्मक सोच। एबीवीपी ने सरकार के फैसले का किया विरोध, बोले युवाओं से हो रहा खिलवाड़, फैसला रद्द नहीं किया तो छेड़ेंगे आंदोलन। तो यहाँ पे अभी तक नहीं निकले हैं प्रथम और द्वितीय वर्ष के परिणाम, सरकार से फैसला वापस लेने का किया आग्रह। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, बुंद्र मूल्यांकन पुनरीक्षण का परिणाम घोषित नहीं कर पाया है बोर्ड। परिणाम ना निकलने के कारण अपने पसंदीदा विषयों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए कई अभ्यर्थी। तो बात यहाँ पे हो रही है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पुनर्मूल्यांकन और पुनरीक्षण के रिजल्ट की। तो अभी तक नया रिजल्ट जो है घोषित नहीं कर पाया है एचपी बोर्ड। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हाई कोर्ट में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 40 पद। तो यहाँ पे 40 वैकेंसीज हाई कोर्ट में भरी जाएंगी, बाकी आप पूरी जो है जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। 30 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है और 40 वैकेंसीज में देखने को मिलेंगी, अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में जल्द शुरू होगी पीएचडी की पढ़ाई। तकनीकी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिमला में हुई बैठक में कोर्स शुरू करने का फैसला। 60 लाख से बनेगा डिजिटल पुस्तकालय, 50 लाख रुपए से खरीदे जाएंगे कंप्यूटर। डेटा साइंस के विषय में बढ़ रही युवाओं की रुचि, सुखो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 40 घंटे बाद जरूरी सामान के वाहनों के लिए ही खुला मंडी कुल्लू NH। दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक मात्र 5 घंटे के लिए अकेले चालक के साथ भेजे वाहन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र। चुनाव से पहले कुछ खास विधेयक पारित करने की चर्चा कराने की चर्चा, नए भवन में कार्यवाही संभव। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नियमित ऋण चुका रहे आपदा पीड़ितों को 1 साल किस्तें ना चुकाने की छूट। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार पूर्ण राज्य के दर्जे में लगेगा वक्त, केंद्र ने ये कहा है। तो सरकार ने कहा निर्वाचन आयोग और राज्य के पैनल को लेना है चुनाव पर अंतिम फैसला। रोजगार पैटर्न पर भी जोर, 2000 करोड़ से ज़्यादा निवेश। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 250 करोड़ की छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी के 4 आरोपी की गिरफ्तार। विशेष न्यायालय शिमला ने 5 दिन की हिरासत में भेजे। हिमाचल हरियाणा पंजाब और दिल्ली में 24 स्थानों पर पड़े थे छापे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, चंबा से बैरल पत्र विधायक जनकराज को शिमला से किया गया पोस्ट। पुलिस जांच में खुलने लगी कड़ियां, विधायक ने पुलिस को भिजवाया पत्र का लिफाफा, आरोपों से किया इनकार। सीएम सुक्खू से मिले विधायक। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो ये थे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ज़्यादा अपडेट्स आज नहीं आई हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।